अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए। और पहले मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बना रही थी, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। आप प्लीज़ देखें, और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें। और जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या सही हो रहा है या क्या नहीं सही हो रहा। तो थैंक यू, देखते रहे। ये सबसे इजी बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। इसमें अनियन और गार्लिक डाला है, और अब इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के इसको कुकर में थोड़ी देर के लिए स्टीम करना है। अब ये स्टीम से अनियन और गार्लिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, तो अब इसमें ऐड होंगे टमाटर्स। टमाटर्स के बाद इसमें चिकन, और इस तरह अनियन और गार्लिक ब्लेंड करने से वो फिर ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं रहती कि आप थोड़ा सा कुक करो और फिर उसको ब्लेंड करो, क्योंकि ये बहुत जल्दी रेडी होने वाली चिकन है। इसका जो सारा टेस्ट है वो ज़्यादा फ्रेश जिंजर और गार्लिक में है। एक टाइम पे फ्रेश बना के डले उसका टेस्ट और है, लेकिन अगर पेस्ट वाला डले रेडी मेड जो होते हैं उसका टेस्ट थोड़ा और है। इसको 10 मिनट के लिए, जब तक ये वाटर ड्राई हो जाए, तो इसको कुक करना है। अब ये चिकन टमाटो में मिक्स हो गया है, इसकी सारी वो प्योरी बन गई है गार्लिक और अनियन में। तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और पैन मैंने इसलिए चेंज किया है कि थोड़ा क्लियर आप सबको पता लग सके, क्योंकि वो स्टीम में बन गई है इसकी पेस्ट। एक स्पून होल कोरिएंडर, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको होल पसंद है तो इसमें डाल सकते हैं। इस चिकन करी के स्पाइसेस सब योगर्ट में जाएंगे, इसलिए कि योगर्ट में स्पाइसेस ऐड करने से उसका टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और अगर वैसे ही आप स्पाइसेस ऐड करके चिकन करी खाते हो तो फिर उसका टेस्ट कुछ और है। एक स्पून रेड चिली, हल्दी 1 टीस्पून, और ये सॉल्ट। सॉल्ट बाद में भी टेस्ट करके ऐड किया जा सकता है। इसमें 2 स्पून कोरिएंडर, ये छोटे वाले, और 1 स्पून ये मेथी का पाउडर है। और अगर मेथी पाउडर नहीं है तब भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि आप चीज़ें इसमें सब वो फ्रेश यूज़ कर रहे हो। ऑयल में कुछ मिनट ये कुक करने के बाद अब इसमें ऐड होगी सारी योगर्ट। मैंने 1.5 किलो चिकन में 1/2 kg योगर्ट ली है, इसकी मैं जो ग्रेवी बना रही हूँ वो योगर्ट से बना रही हूँ। इसमें कोई क्रीम ऐड नहीं की, लेकिन मैंने माशाल्लाह ये काफ़ी बार बनाई है, तो मुझे पता था कि ये माशाल्लाह अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने ये शेयर किया है। क्योंकि इसमें वो नहीं है, इसकी पेस्ट को ब्लेंड नहीं किया और इसमें क्रीम नहीं डाली, तो अक्सर मुझसे पूछा जाता था कि ये क्रीम है या इसको ब्लेंड किया है, तो मैंने कहा नहीं। और अब इंशाल्लाह आप देखें, और जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं।
योगर्ट को थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें ऐड किया है 1 कप वाटर, और वाटर कुकिंग में वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं। थोड़ा सा चिकन ये कुक हो जाए 10 मिनट। अब ये चिकन रेडी है, इसके एंड में ये जाएंगे करी लीव्स और जिंजर, क्रश किया हुआ जिंजर है। ये अपने खाने का टेस्ट है कि आपने इसको स्टार्ट में पेस्ट बना के डालना है या इसको ऐसे क्रश करके डालना है। चिकन को थोड़ी देर कुक करने के बाद अब ये सॉफ्ट है, तो ये रेडी है। इसका टेक्सचर सारा क्रीमी, लेकिन इस ये सारे योगर्ट से है, तो जिन लोगों ने ये टेस्ट किया हुआ है उन्हें तो अब पता लग गया है कि ये अब वो मैं बनाया है, मैंने योगर्ट के साथ इसमें क्रीम ऐड नहीं की। तो आप इंशाल्लाह बनाएं और फिर मुझे बताएं, जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या इसमें या वीडियो में क्या चीज़ें हैं जो मुझे और अपडेट करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।